हेलो दोस्तों, एंड गोवा किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको एक वेजी सब्जी की रेसिपी दिखाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैं फार्म में आई हूँ लीव्स लेने के लिए। ये देखिए, ये है लॉन्ग बीन्स, वाल बोलते हैं कोकणी में। तो उसके ये लीव्स, मतलब ये प्लांट है छोटे छोटे जो हमने लगाए हैं। तो ये देखिए, इस तरह से ये जो लीव्स होते हैं इनकी सब्जी बनाते हैं गोवा में, महाराष्ट्र में, और शायद साउथ इंडिया में भी बनाते हैं। और जब ये बड़े हो जाते हैं प्लांट्स, तो इनमें लॉन्ग बीन्स लगते हैं, इनको वाल बोलते हैं, और वाल की भी सब्जी बनाते हैं। तो आज मैं आपको ये लॉन्ग बीन्स के लीव्स की सब्जी दिखाऊंगी, यानी कि वालांचा पानाची भाजी, जो कि हम कोकणी में बोलते हैं। तो थोड़े लीव्स मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। ये देखिए, इस तरह के प्लांट्स होते हैं। तो आप अगर आपके घर के पीछे थोड़ी जगह हो तो आप ये लगा सकते हैं। इनके सीड्स अवेलेबल होते हैं, थोड़ी सी जगह पे भी ये लगाया जा सकता है। ये देखिए, ये जो टेंडर होते हैं ऊपर के जो लीव्स, वो हमें निकाल लेने हैं। और चूंकि ये फार्म फ्रेश है तो ये बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि इसमें कोई पेस्टिसाइड्स वगैरह कुछ नहीं होता है। ये देखिए, इस तरह से लीव्स आपको निकाल लेने हैं। तो ये देखिए, ये है लॉन्ग बीन लीव्स, या फिर इसको एस्पेरेगस बीन्स भी कहते हैं। तो इतने मैंने निकाल लिए हैं, और ये हमें धो के चॉप करना है, बारीक काटना है। ये देखिए, मैंने ये अच्छे से धो के इसको काट लिया है। और अभी ये जो है, ये है मूंग दाल। तो ये मूंग दाल मैंने भिगो के रखी थी एक 15 मिनट के लिए। तो अभी शुरुआत करते हैं। तो पहले कढ़ाई में हमें लेना है तेल। देखिए, तो 2 चम्मच तेल, 2 बड़े चम्मच तेल, और फिर हम इसमें डालेंगे जीरा 1 चम्मच, और 1 चम्मच राई के दाने। आप इस सब्जी में आप प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन आज मैंने नहीं डाला है, क्योंकि हम प्याज आज के दिन नहीं खाते। तो ये है एक ड्राई रेड चिली, सूखी मिर्च, तो जैसे आप प्याज डाल सकते हैं उसके, आप लहसुन भी डाल सकते हैं क्रश करके, लेकिन ये मैंने नहीं डाला है इसमें। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ लॉन्ग बीन लीव्स। और ये जो लीव्स है, ये गोवा में मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप गोवन है तो आपको पता होगा ये मार्केट में मिलता है, और साउथ इंडिया में भी इसे बहुत खाया जाता है। तो ये देखिए, इस तरह से थोड़ा फ्राई कर लेना है। ये आप चपाती के साथ, रोटी के साथ, या फिर राइस के साथ एज अ साइड डिश भी खा सकते हैं। तो अभी मैं इसमें डालूंगी मूंग दाल। तो ये मैंने भिगो के रखी थी 15 मिनट के लिए। तो लगभग 2 बड़े चम्मच मूंग दाल भिगो ली थी मैंने। और अभी इसमें डालेंगे हमारा एज यूजल, जो हम गोवा में, गोवा के डिशेस में डालते हैं, नारियल। तो 2
टेबलस्पून नारियल, और अब डालेंगे जैगरी यानी कि गुड़ और नमक। तो बस इतना ही, और अभी हमको ये अच्छे से मिक्स करना है, और हमको ये 15 मिनट के लिए लीड इसके ऊपर रख के हमें ये कुक करना है। बहुत ही टेस्टी होती है ये सब्ज़ी। तो अपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। मैं गोवा की वेज किचन में से जो रेसिपीज़ होती हैं वो आपको लगातार दिखाती हूँ, तो मेरे वीडियोस आते रहेंगे, तो इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो अभी ये हमको 15 मिनट के लिए ऐसे ढक के कुक करना है। तो ये देखिए जो सब्जी है वो रेडी है, लॉन्ग बीन्स लीव्स की सब्जी। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर आपके कोई रिकमेंडेशन हो तो भी बताएं, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।